अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नजर आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं पिछले क्लास में दिए गए सेंटेंसेस के इंग्लिश अनुवाद। तो ये रहे, अगर आपने इसके इंग्लिश अनुवाद बनाया है, इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, तो इसे आप मैच कर लीजिए और जहाँ पर भी गलतियाँ होंगी वहाँ पर आप सुधार लीजिए। ओके फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, इन द लास्ट क्लास आई टॉक्ड टू यू अबाउट द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, नाउ आई एम इन क्लास और ये सारे सेंटेंसेस हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस से संबंधित। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिस सेंटेंस का अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, या ता रहा होगा, ते रहे होंगे, ती रही होगी, ऐसा भी रहता है। या हम सेंस के तौर पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम कल की बात यानी फ्यूचर में होने की बात अगर हम फ्यूचर में फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस में बनाते हैं तो हम उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मीन्स कोई भी कल को जो काम हो रहा होगा उसमें कंटिन्यूटी होगी तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो वो तुम कल इस वक्त क्या कर रहे होगे, या मैं इस वक्त कल मुंबई जा रहा हूँगा, मीन्स मुंबई जाने का काम हो रहा होगा। जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं और उसमें होने वाले काम की कंटिन्यूटी बताई जाती है फ्यूचर में, उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे वह स्कूल जा रहा होगा, मीन्स हम कल की बात कर रहे हैं, परसों की बात कर रहे हैं, कभी की भी बात कर रहे हैं, बट आज से आगे की बात कर रहे हैं, अभी से आगे की बात कर रहे हैं हम, वो फ्यूचर हो गया। ओके फ्रेंड्स, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, कोई पूछ रहा है मुझसे कि वो क्या कर रहा होगा, तो मैं उसे बताऊंगा कि कल वो इस वक्त स्कूल जा रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह के सेंटेंसेस होंगे तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। हम इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल विल, फिर बी, और क्रिया में आईएनजी जरूर लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट और अदर्स। ओके फ्रेंड्स, हम बनाते हुए समझते जाते हैं। वह स्कूल जा रहा होगा, तो वह स्कूल जा रहा होगा इसमें सब्जेक्ट ही है, फिर ही के साथ विल लगता है तो विल लगाएंगे, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। वे लोग नहीं खेल रहे होंगे, दे विल नॉट बी प्लेइंग। हम विल नॉट को won't भी बोल सकते हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं कि दे won't बी प्लेइंग। क्या राजू खाना खा रहा होगा, ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आपको पता ही होगा कि इंटरोगेटिव जो क्या से शुरू होते हैं उसका इंग्लिश अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम उसका हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं या बोलते हैं। तो क्या राजू खाना खा रहा होगा, विल राजू बी ईटिंग फूड। तुम कल क्या कर रहे होगे, व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो। उसे कौन पढ़ा रहा होगा, हु विल बी टीचिंग हिम। ओके फ्रेंड्स, एक और बात, वह स्कूल जा रहा होगा, अगर ऐसे हम सेंटेंसेस बोलते हैं तो ज़्यादातर लोगों को क्या समझ में आता है कि वो इस वक्त की बात कर रहा है कि वो स्कूल जा रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, बट मैं आपको फिर से बता दूं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब फ्यूचर में होने वाली बात की जब कंटिन्यूटी बताई जाती है तो वो फ्यूचर टेंस कहलाता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, मीन्स तुम आज शाम को 4 बजे क्या कर रहे होगे, व्हाट विल यू बी डूइंग एट 4 o'clock इन इवनिंग। मैं जवाब दूंगा, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल एट 4 o'clock, और दैट टाइम भी बोल सकते हैं, आई विल बी प्लेइंग दैट टाइम, मैं उस वक्त खेल रहा हूँगा। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता क्या है और इसका इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं। हम अभी फ़िलहाल जो हो रहा है उसके बारे में हम, वो जा रहा होगा, वो स्कूल जा रहा होगा,
तो उसमें हम ऐसा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम अभी से आगे होने वाली बात की जो कंटिन्यूटी बताई जाती है उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी करते हैं हम कुछ प्रैक्टिस। कल शाम को मेरे पिताजी पढ़ा रहे होंगे। टुमारो इवनिंग माई फादर विल बी टीचिंग। तुम कल सुबह क्या कर रहे होगे? व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो इन द मॉर्निंग? तुम्हारा भाई उसकी मदद कर रहा होगा। योर ब्रदर विल बी हेल्पिंग हिम। वे लोग कल इस वक्त खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग दिस टाइम टुमारो। राजू खाना खा रहा होगा। राजू विल बी ईटिंग। मेरी बहन पत्र लिख रही होगी। माई सिस्टर विल बी राइटिंग लेटर। कुत्ता भौंक रहा होगा, मीन्स कल की बात, हम आज से जो अभी की बात कर रहे हैं उससे बाद की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, कि दो घंटे बाद कुत्ता भौंक रहा होगा। आफ्टर टू आवर्स द डॉग विल बी बार्किंग। वह उसे तंग कर रहा होगा। ही विल बी टीजिंग हिम। जानवर खेत में चारा चर रहे होंगे। एनिमल्स विल बी ग्रेजिंग ग्रास इन द फील्ड। बच्चे कल दोपहर खेल रहे होंगे। चिल्ड्रन द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग टुमारो आफ्टरनून। औरतें तालाब के किनारे कपड़े धो रही होंगी। द वुमेन विल बी वॉशिंग क्लोथ एट द बैंक ऑफ द पॉन्ड। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इतना प्रैक्टिस काफ़ी है आपके लिए, आपके समझने के लिए। आप समझ भी गए होंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या कहलाता है और उसका इस्तेमाल हम कैसे सेंटेंसेस के लिए करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये रहा आज के लिए प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को आप अच्छी तरह से समझ कर बना लेना और नेक्स्ट क्लास में इसके दिए हुए आंसर से आप मैच भी कर लेना। ओके फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, और अगर आप सचमुच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब तक का वीडियो हमारा देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।